क्या होगा अगर सूरज सौर मंडल से गायब हो जाए? यह जानना बहुत रोचक होगा कि सूरज अगर अपनी जगह पे ना हुआ तो सारे सौर मंडल का क्या होगा और सारे ग्रहों का क्या हो सकता है? हमारी पृथ्वी ऐसे समय पर क्या कर सकती है? तो चलिए सौर मंडल के रोचक सफ़र पर, और हम मान के चलते हैं अगर सूरज ना हुआ सौर मंडल में तो क्या होगा। ये पूरी काल्पनिक कथाओं पर निर्भर है, हम आपको बस ये काल्पनिक कथा को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो हमारा सौर मंडल से सूरज गायब हो जाए, एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटे, एक दिन, एक महीने या एक साल तक या हमेशा के लिए, तो क्या सौर मंडल चल पाएगा? तो ये जानना बहुत रोचक होगा। तो चलिए हम सूरज को गायब कर देते हैं एक मिनट के लिए, तो पृथ्वी पे या सौर मंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण अभी भी मौजूद है और सूरज का प्रकाश भी धरती पे आ रहा है। दरअसल सूरज की रोशनी धरती पे आने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूरे एक घंटे बीत चुके हैं, सूरज अपने दिशा में नहीं है। अब तक लोगों को पता चल चुका होगा कि सूरज अपनी जगह पे स्थित नहीं है और सौर मंडल के सारे ग्रह अपनी जगह से भटक चुके होंगे। अब पृथ्वी को भी गुरुत्वाकर्षण से आज़ादी मिल चुकी होगी और सौर मंडल में आगे भटकती हुई चले जा रही है। हमारा चांद भी बिछड़ चुका है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण ने सारी ग्रहों को एक सूत्र में बांध रखा था, जो अब टूट चुका है। अब पूरे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब 24 घंटे बाद भी रात ही है और आसमान में सारे सितारे नज़र आ रहे हैं। अब ठंड का थोड़ा प्रभाव होने लगा है, लेकिन पृथ्वी की कोर ने अभी तक सभी को जीवित रखा है और हमारे वातावरण में भी अब तक गर्मी मौजूद है, जो 3 से 4 दिनों तक मौजूद रह सकती है। अब पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। पेड़ पौधे अब जीवित नहीं बचे, क्योंकि सूरज की प्रकाश से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे और अपने लिए खाना बनाते थे, जिसको हम विज्ञान की भाषा में फोटोसिंथेसिस कहते थे। अब बिना पेड़ पौधे के कारण कई जीव जंतु नहीं बचे और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो चुकी है। पृथ्वी ने लंबा सफ़र तय कर लिया है सौर मंडल में। अब पृथ्वी पर तकरीबन -20 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और सारी नदियां, तालाब और समुंदर बर्फ़ की चादर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अभी कई ऐसी जगह है जहां तापमान रहने लायक है, जैसे ज्वालामुखी के पास का इलाका, नदियां या तालाब। अब सारे कनेक्शन भी लुप्त हो चुके होंगे, बिजली भी विश्व से गायब हो चुकी होगी। अब पूरे 1 साल बीत चुके हैं। पृथ्वी ने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया सौर मंडल में और आगे बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रहा, यहाँ का तापमान -160 डिग्री तक पहुँच चुका है और बर्फ़ की मोटी चादर पूरे विश्व में फैल गया है। लेकिन अभी भी कई जीव जंतु पनप रहे हैं पृथ्वी की गर्भ में, जैसे समुंदर की गहराई में पृथ्वी की कोर के तापमान से अभी पानी बर्फ नहीं बना है। अब पूरे 100 साल बीत चुके हैं। पृथ्वी पर अब जीवन की रेखा मिट चुकी है और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहा है, और अब पृथ्वी अपना सौर मंडल से भी काफ़ी हद तक दूर निकल चुका है। अब पूरे 1000 साल बीत चुके हैं। पृथ्वी अब दूसरे सौर मंडल में दाखिल हो चुका है और हो सकता है कि उल्कापिंड पृथ्वी को टक्कर मार दे और सब समाप्त हो जाएगा, या फिर पृथ्वी और किसी के सौर मंडल के किसी बड़े सितारे के चक्कर काटना शुरू कर दे, या पृथ्वी ब्लैक होल के चपेट में आ जाए। कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, ये काल्पनिक घटना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए सूरज हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। सूरज है तो जीवन है, इसलिए हमारा शास्त्र ने भी इसे भगवान का दर्जा दिया हुआ है और हम इसे पूछते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।